एंड्रॉयड फोल्डर शायद आपने भी अपने फ़ोन में ज़रूर देखा होगा। तो इस फोल्डर क्या है, इसका बेसिक यूज़ क्या है, इस फोल्डर को हम डिलीट कर दें तो क्या हमारा फ़ोन में कुछ होगा, इस फोल्डर हमारा फ़ोन का स्टोरेज कैसे ठीक कर पाएगा, सभी प्रॉब्लम के डाउट आज मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले आप सभी को मेरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ जय गुमाशणा और आप देख रहे हैं जय टेक एंड व्लॉग्स। व्हाट इज एंड्रॉयड फोल्डर? एंड्रॉयड फोल्डर क्या है? एंड्रॉयड फोल्डर वो आपका फोन का सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर है। एंड्रॉयड फोल्डर आपका एसडी कार्ड या आपका इंटरनल स्टोरेज में शो करता है। अगर आप अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पर जाएंगे तो वहाँ आपको एंड्रॉयड नाम का फोल्डर दिखाई देगा। इस एंड्रॉयड फोल्डर में बेसिक क्या होता है कि आपके फ़ोन में जो एप्स इंस्टॉल होता है ना, सभी का डाटा एंड्रॉयड फोल्डर में मिलते हैं। ऐसे सभी डाटा आपके यहाँ पर मिलेंगे। यूज ऑफ दिस फोल्डर, इस फोल्डर का उपयोग क्या है? एंड्रॉयड फोल्डर का उपयोग यह है कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन का ऑफलाइन डाटा एंड्रॉयड फोल्डर में सेव होता है। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं यूट्यूब को, तो यूट्यूब में मैंने एक डाउनलोड किया है वीडियो, उसका डाटा आपको मिलेगा यहाँ एंड्रॉयड फोल्डर में। यहाँ पर एंड्रॉयड का और इसमें डेटा, यहाँ पर आपको यूट्यूब लिखा हुआ मिलेगा। यूट्यूब यहाँ पर आपको मैंने डाउनलोड किया है ना वीडियो, इसका यहाँ पर डेटा आपको मिलेगा। डिलीट दिस फोल्डर, इस फोल्डर को हटाने से क्या होगा? एंड्रॉयड फोल्डर हटाने से आपको एप्लीकेशन के ऑफलाइन डाउनलोड या ऑफलाइन डेटा चला जाएगा और आप वापस फाइल मैनेजर ओपन करेंगे तो आपको वो फोल्डर वापस दिखेगा, क्योंकि एंड्रॉयड फोल्डर को डिलीट करने से वो वापस एक्टिव हो जाता है। इंटरनल स्टोरेज प्रॉब्लम, क्या एंड्रॉयड फोल्डर को डिलीट करने से आपके फ़ोन का स्टोरेज प्रॉब्लम हट जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप एंड्रॉयड फोल्डर डिलीट करेंगे तो आपके पास कुछ ही MB आपको यूज़ करने के लिए मिलेगी। इसीलिए कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है कि एंड्रॉयड फोल्डर डिलीट करने से उसका फ़ोन स्टोरेज प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो आई होप कि मेरा वीडियो सबको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो वो कमेंट करके बताओ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए गुड बाय।